गाइस दिस इज कमलेश वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन अरोरा आईएएस एंड दिस इज चैप्टर नंबर 12 सोशल सेक्टर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन के आई थिंक इट विल टेक अराउंड 4 to 5 लेक्चर्स टू कंप्लीट। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भैया पिछले 2 लेक्चर्स में, मतलब पिछले 3 से 4 लेक्चर में हमने पॉवर्टी को अच्छे से कवर किया, अनएम्प्लॉयमेंट को अच्छे से कवर किया। ये दोनों टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, सोशल जस्टिस में GS2 एंड GS1 इंडियन सोसाइटी में कवर होते हैं, बट फिर भी मैंने यहाँ पर कवर किया है जस्ट टू गिव यू द इंट्रोडक्शन। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने कुछ वहाँ पर छोड़ दिया हो तो ऐसा समझिएगा कि वो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं था, इसलिए मैंने लीव किया। अदरवाइज आई हैव ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इन द सेम वे इन हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन आपको बता दूँ इतना दब घिस चुका टॉपिक है कि आप इसको ऐसे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, फिर GS1 में भी पढ़ेंगे, और GS2 में तो स्पेशली मैंसन है कि भाई सोशल सेक्टर हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, तो वहाँ पर आप इसे दोबारा पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, ठीक है, अबाउट हेल्थ एंड एजुकेशन फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप यहाँ पर हर चीज़ एक्सपेक्ट मत करिएगा, बट फिर भी जितना इंपॉर्टेंट है दैट आई विल ट्राई टू कवर। ठीक है, सो बिफोर गोइंग टू द लेक्चर आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट आर पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम विच इज डायरेक्टली रन बाय अरोड़ा सर, एंड इफ यू वॉन्ट टू जॉइन इट यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज 2 नंबर्स। ठीक है, और दिस टाइम 35+ स्टूडेंट्स आर राइटिंग मेन्स फ्रॉम आर साइड फ्रॉम दिस पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम एंड ऑल हैव 100+ मार्क्स, जिसके प्रूफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर आपको वहाँ हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। और दिस इज़ आर माइंड मैप बुक्स, ठीक है, विच यू कैन यूज फॉर योर रेफरेंस एंड फॉर रिविजन पर्पज एंड यू विल गेट इट फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। ठीक है, चलिए अब चालू करते हैं हेल्थ और एजुकेशन से। सो बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू कि भाई ये टॉपिक कैसे पढ़े जाते हैं। अगर ये आप हेल्थ एजुकेशन देखो, ये ना बहुत ही ओपन एंडेड टाइप के टॉपिक है, ठीक है, मतलब इनका कोई एंड नहीं है। ओपन एंडेड मतलब हर टाइम हर दिन नया एडिशन आपको मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर कुछ 3 से 4 पेजेस का बेसिक मटेरियल बना के रखना है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर PPT शेयर की है उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट दीज आर नॉट कॉम्प्रीहेंसिव इन द सेंस कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यूज है। और आपको एक जो हेल्थ पढ़ेंगे ना जब आप, तो उसे इकोनॉमिक्स भी उसमें रखिएगा, सोसाइटी भी रखिएगा, सोशल जस्टिस भी रखिएगा, जिससे क्या होगा कि आपका टॉपिक जो होगा होलिस्टिकली कवर होगा। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 पन्ने में हेल्थ का एक मतलब सेट बनेगा, एजुकेशन का बनेगा, इस तरीके से कंप्लीट पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयटी सारे टॉपिक आप सब जानते हैं सोसाइटी के। तो यहाँ पर से 5-5 करके पेजेस के नोट्स बनाएगा। ये जो टॉपिक्स हैं आपको सिर्फ और सिर्फ GS में हेल्प नहीं करेंगे आंसर राइटिंग में, इट विल ऑल्सो हेल्प यू ऐसे, तो इसलिए बनाइएगा। तो इसको देखो, टॉपिक पढ़ने का फंडा क्या होता है कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एजुकेशन पढ़ रहे हो, तो उसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जो रोचक हो, ठीक है, जो हर किसी को अमेज कर दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर अगर आप देखोगे प्री मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उस पर 90% की इनरोलमेंट देखने को मिलती है, लेकिन हायर एजुकेशन में सीधे जाके कितनी जाती है 25% के आसपास, ठीक है, 22 से 25% के बीच में जाती है। तो इस टाइप के कुछ फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जो इंपॉर्टेंट कोट्स हो सकते हैं उसको अपनी मतलब सबसे पहले 3 से 4 लाइन में लिखना है। मतलब सब फैक्ट्स लिखोगे और उसमें 3 से 4 मतलब एक कोट होगा और कुछ रोचक करने वाला डेटा होगा। ठीक है, इसके बाद वो जो अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है इस टाइम पे, ठीक है, मतलब प्रेजेंट स्टेटस क्या, मतलब किस तरीके से वो चीज़ हमारे यहाँ अभी तक परफॉर्म कर रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये देखनी होगी। उसके बाद उसमें क्या क्या इशूज़ निकल के आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्री प्राइमरी में क्या इशूज़ हैं, इसके बाद हेल्थ में क्या इशू हैं, हायर एजुकेशन में क्या इशूज़ हैं, ये सब इशूज़ लिस्ट करने हैं आपको। ठीक है, और हर इशू के सामने कुछ ना कुछ फैक्ट्स रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बता रहे हो कि भाई हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया मतलब किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो भैया थोड़ा सा फैक्ट्स आपको देने पड़ेंगे जिससे कि आपका जो पॉइंट है वो थोड़ा और क्लियर होगा। बिकॉज ये सब टॉपिक इतने घिस चुके हैं ना, कोई बच्चा मतलब आप लिखोगे 10th क्लास के सामने वाले बच्चे को भी अगर आप दोगे तो भी अच्छे से ऐसे लिख देगा, लेकिन आपको अच्छा सा लिखना तो आपको यहाँ पर थोड़ा डेटा फैक्ट याद रखना पड़ेगा, थोड़े कोड्स भी याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद जो भी सजेशन है, याद रखना सजेशन आपको अपने नहीं देने, यहाँ पर आपको कमिटीज़ का यूज़ करना है। ठीक है, बहुत सारी कमिटीज़ फॉर्म हुई है रिगार्डिंग हेल्थ एंड एजुकेशन, तो आपको उनके सजेशन कोड करने हैं। ठीक है, और उसके बाद अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ एजुकेशन में गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है, बहुत सारी पॉलिसीज लॉन्च की है, तो आपको पॉलिसी स्कीम्स कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जानना है कि भैया उस पॉलिसी और स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके बाद आपको ये देखना है कि भैया वो स्कीम और जो है भी, जो भी है स्कीम या पॉलिसी, किस सेक्शन पर फोकस करें। फॉर एग्जाम्पल से आयुष्मान भारत है, ठीक है, आयुष्मान भारत का फोकस क्या है, जो 10 करोड़ बिल्कुल SECC में आते हैं, ठीक है, उनको मतलब 5 लाख रुपये सालाना दिए जाए, उनकी फैमिली को 5 लाख रुपये सालाना दिए जाए, मतलब टारगेट सेक्शन ये हो गया। इसके बाद उस चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या होगा, मतलब ये स्कीम को लाया क्यों गया, फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान भारत को क्यों लाया गया, बिकॉज हमारे जो टर्शियरी केयर बहुत महंगी हो चुकी थी और हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को सब स्कीम लानी पड़ी। फिर इसके बाद वो स्कीम फेल क्यों करेगी या अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रही, तो मतलब कुछ इश्यूज होंगे तो आपको बताना है, और अल्टीमेटली कुछ अगर कमेटी ने सजेशन दिए हैं तो उसको भी आपको 3-4 लाइन में लिख के रखना है। इस तरीके से आपको कोई भी पॉलिसी और स्कीम पढ़नी है अंडर दीज टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ एंड एजुकेशन में, फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान भारत हो गई, नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो गई, आयुष मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, इन सब के बारे में आपको उस तरीके से पढ़ना है। ठीक है,
और उसके बाद अल्टीमेटली क्या वे फॉरवर्ड आप देना चाहेंगे, आप अपना खुद का एक ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव एंड फ्यूचरिस्टिक वे फॉरवर्ड दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हेल्थ और एजुकेशन पढ़ के रखना है, ठीक है। अब याद रखना, यहाँ पर मैं हॉलिस्टिकली तो चीज़ें नहीं पढ़ा सकता हूँ बिकॉज मेरे पास भी टाइम कम है और दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। बट मैं इकोनॉमिक सेंस में आपको इतना कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज माई गारंटी। तो लेट अस बिगिन विद द एजुकेशन पार्ट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट वाली रखनी है। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने इस तरीके से रखा है कि भैया जो SDG 4 है, SDG 4 मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, ये बोलता है कि भाई आपको 2030 तक सभी बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इक्विटेबल इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सब प्रमोट अमोट करनी है, ठीक है। फैन ढंगाना बकवास की बात है, रट्टा मार लेना और टारगेट 2030 तक डाल देना, तो ये आपका एक अच्छा सा फैक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद भाई रोल ऑफ एजुकेशन क्या होता है इन द लाइफ ऑफ द पीपल। सबसे पहली बात तो एजुकेशन से क्या होता है, एजुकेशन से इंडिया की नॉलेज इकोनॉमी बढ़ेगी। जब नॉलेज इकोनॉमी बढ़ेगी तो R&D बढ़ेगी, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आपके अंदर अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी तो आपको इंडिया की जो कॉम्पिटिवनेस है, ठीक है, वो बढ़ना चालू होगी, ठीक है। और साथ ही साथ भाई कॉम्पिटिवनेस बढ़ेगी तो क्या होगा, आपके यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट आएगा। किसकी वजह से आ रहा है, एजुकेशन की वजह से आ रहा है। तो अल्टीमेटली जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगी तो उसका जो बेनिफिट है पुअर तक जाएगा, ट्रिकल डाउन करेगा, और अल्टीमेटली हमारी जो पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी से वो रिड्यूस होना चालू हो जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पर एजुकेशन का, मतलब किसी भी सोसाइटी में एजुकेशन का ही सबसे बड़ा रोल होता है। सबसे पहले क्या होता है कि एजुकेशन से आप क्या करते हो, एजुकेशन से आप चीज़ों को सीखते हो, ठीक है। मतलब नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करते हो, R&D करते हो, ठीक है, जिसमें बहुत खर्चा होता है। उसके बाद आप उसको अप्लाई करते हो आपकी इकोनॉमी में। इकोनॉमी में अप्लाई करने से क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ती है। ग्रोथ बढ़ना मतलब प्रोडक्शन बढ़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शुरू शुरू में हमारे यहाँ पर स्टीम इंजन नहीं थे, लेकिन किसी ने अच्छी एजुकेशन ली, मतलब चीज़ों को समझा, उस पर स्टीम इंजन बनाया, तो उससे क्या हुआ, ब्रिटिश इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ। तो उसके बाद जो पैसे नीचे तक पहुँचने लगे, ब्रिटिश पीपल तक, तो अल्टीमेटली जो क्या पॉवर्टी थी वो खत्म होने लगी, इनइक्वालिटी जो खत्म होने लगी, ठीक है। इस तरीके से एजुकेशन आपको तो किसी भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अब अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना चाहोगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में या इंडियन एजुकेशन के बारे में, तो जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, ठीक है, 1947 में, तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 12% लोग लिटरेट थे, सिर्फ और सिर्फ 12%। और आज के टाइम पे 2011 के सेंसस के हिसाब से 74% हमारे यहाँ पर लिटरेसी रेट आ चुकी है। मतलब बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया है पिछले कई सालों में गवर्नमेंट ने, ठीक है। लेकिन अभी भी इस पर डिस्पैरिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो मेल है, मेल की लिटरेसी रेट 82.1% की है, लेकिन जो फीमेल की लिटरेसी है वो 65.5% की है। कितनी है, 65.5% की है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये जो हमने लिटरेसी रेट अचीव किया है पिछले 70 सालों में, वो इनफ नहीं है। क्यों? बिकॉज अभी वर्ल्ड का एवरेज ना 84% है। मतलब कि वर्ल्ड में आप कह सकते हैं हर जगह लगभग 84% पीपल लिटरेट है, और हमारे यहाँ अभी भी 74% बस है, ठीक है। मतलब वर्ल्ड एवरेज आप देख लो, वर्ल्ड एवरेज लिटरेसी रेट का 84% का है, ठीक है। और इंडिया के पास अभी, मतलब अभी UN के हिसाब से सबसे बड़ी इलिटरेट पॉपुलेशन इंडिया के पास ही है। बिकॉज सिंपल सी बात है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत बड़ी है। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन को और इंडिया की पॉपुलेशन को कंपेयर करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में 1% से मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो मतलब उनके एक से दो करोड़ लोग हैं, उनकी 1-2% कितना होगा, लाखों में आएगा बस। हमारे यहाँ पर 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारा 1-2% भी कम से कम 10-12 करोड़ निकल जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर इसलिए इलिटरेट की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम डिस्पैरिटी की बात करें, मतलब रीजन वाइज बात करें, तो केरला में 93.91% की लिटरेसी रेट है, मतलब विच इज़ हायर देन द वर्ल्ड एवरेज। वर्ल्ड एवरेज 84% होती है, ठीक है, और हमारे केरला में 93.9% है। और अगर सबसे जो कम लिटरेसी रेट है वो हमारे बिहार के स्टेट में है, ठीक है, इट इज़ इवन लेस देन द फीमेल लिटरेसी रेट। फीमेल लिटरेसी रेट 65.5% का है, और जो हमारा बिहार का लिटरेसी रेट है, इट इज़ जस्ट 63.82%, ठीक है, 63.82%। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर डिस्पैरिटी है, और वर्ल्ड एवरेज से पूरा इंडिया का एवरेज भी कम है, ठीक है। तो ये सब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज आपको जगह जगह ये कोट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप एजुकेशन की बात करो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे, कि भाई गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया है, तो एजुकेशन को आप जानते हो सब लोग कि भाई शुरू शुरू में ये स्टेट लिस्ट का पार्ट हुआ करता था। इसके बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने उसे कॉन्क्रीट लिस्ट में लाया, जिससे कि गवर्नमेंट बहुत सारी इसके लिए स्कीम्स लॉन्च करी, फॉर एग्जाम्पल सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, ये सब स्कीम लॉन्च की गई है। इसके बाद जो सबसे बड़ा माइलस्टोन था, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में, वो था आर्टिकल 21A, मतलब जिसमें राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया गया था, और अल्टीमेटली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। जिससे कि आप देखो, शुरू शुरू में क्या था, जो एजुकेशन था ना वो 6-14 ईयर्स तक के बच्चों की, वो फ्री नहीं थी, ठीक है, वो फ्री नहीं थी, उसके लिए आपको पैसे चार्ज करने पड़ते थे। और अगर वो गवर्नमेंट के पास अगर पैसे तो आपको देगी नहीं, होगी तो नहीं देगी, अगर गवर्नमेंट आपको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रही तो यू कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 21A आने के बाद, अगर गवर्नमेंट, जैसे आर्टिकल 21A आ गया
और 6 to 14 के बीच का कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, मतलब जिसकी एज 6 साल से 14 साल के बीच में अगर वो पढ़ना चाहता है, और अगर आप ठीक है 6 से 14 साल की अगर उसकी एज है और वो पढ़ना चाहता है और गवर्नमेंट किसी भी तरीके से अगर उसको स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाती है, सो ही कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट बिकॉज इट इज़ अ फंडामेंटल राइट नाउ। और इसके बाद ठीक है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को आदेश दे सकती है भाई आप इसके लिए स्कूल स्कूल ओपन करवाओ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है हमारे आर्टिकल 21 की। और उसके बाद बहुत सारी गवर्नमेंट ने रिसेंट में स्कीम्स लाई है हमारे एजुकेशन के लिए। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नई नेशनल एजुकेशन हेल्थ मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, इट विल टेक अराउंड 1 to 2 आवर टू डिस्कस कम्प्लीट, बिकॉज मैं उसे मेंस के हिसाब से डिस्कस करूँगा, प्रीलिम्स के हिसाब से डिस्कस करूँगा, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी। ठीक है, कम्प्लीट 1 से 1.5 घंटे की वीडियो आएगी, उसको देख लेना, लेकिन इस जो लेक्चर सीरीज है मैं उसमें इंक्लूड नहीं करूँगा, वो अलग से मतलब टॉपिक रहेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो अलग से आएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस सीरीज का कम्प्लीट होने के बाद। राइट, चलिए ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी जो अभी भी चेंजेस हुए एजुकेशन में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, शुरू शुरू में एजुकेशन थी जो वेलफेयरिस्टिक अप्रोच था, मतलब गवर्नमेंट के पास अगर पैसे तो गवर्नमेंट दे पा रही है, नहीं है तो नहीं दे पा रही, लेकिन अब राइट बेस्ड अप्रोच हो गया। मैंने आपको बताया आर्टिकल 21A। ठीक है, उसके बाद RTE Act। ठीक है, इसके बाद शुरू शुरू में अगर आप देखो, जब शुरू शुरू में इंडिया बना था या 1980s 1990s में, जो कंप्लीट हमारा फोकस था वो लिटरेसी बढ़ाने पे था। ठीक है, लिटरेसी बढ़ाने में और बेसिक एजुकेशन देने में, लेकिन अब हमारा फोकस टेक्निकल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन बढ़ाने में, मतलब अब हम इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट ये सब प्रोड्यूस करना चाहते हैं, बिकॉज ये सब इकोनॉमी को आगे लेके जाते हैं। ठीक है, और अब जो गवर्नमेंट है, जिस तरह गवर्नमेंट ने अगर आप देखो कि प्राइमरी एजुकेशन में 90% से प्लस इनरोलमेंट रेशियो मतलब अचीव कर लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में 100 बच्चे हैं तो उसमें से 90 बच्चे प्राइमरी स्कूल को अटेंड करते हैं, ये गवर्नमेंट ने अचीव कर लिया। अब गवर्नमेंट चाहती है कि भैया यही सेम रेशियो वो लोग सेकेंडरी एजुकेशन में भी लाए, मतलब यही अगर 9th से 12th में भी बच्चे मतलब 90% बच्चे स्कूल में जाए, तो इसकी तरफ गवर्नमेंट आगे अग्रसर है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट हायर एजुकेशन को थोड़ा सा बदलना चाहती है, इसको थोड़ा सा जॉब ओरिएंटेड बनाना चाहती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे। अब अल्टीमेटली हम आ जाते हैं अपनी फॉर्मल एजुकेशन में। ठीक है, अब हमारा जो एजुकेशन है इट इज़ एक्चुअली कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। एक आता है प्री स्कूल, ठीक है, प्री स्कूल जो कि आप कह सकते हैं 0 से 6 ईयर्स तक रहती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जाती है कौन सी, हमारी फॉर्मल स्कूलिंग, ठीक है, जो 1st क्लास से 12th क्लास तक चलती है 6 to 14। और इसके बाद आप कह सकते हैं आ जाती है हमारे सामने हायर एजुकेशन। ठीक है, मतलब इसमें आप थोड़ा सा किसी कंट्री और जोड़ते हैं, इसके बाद मतलब रहिए मतलब हायर एजुकेशन। ठीक है, मतलब जो कॉलेज वाला जाता है, यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन सब जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस सेशन में तो अब देखो हमारे पास जो प्री स्कूलिंग है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, मतलब गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू प्रोवाइड यू प्री स्कूलिंग्स। ठीक है, आपको बता दूँ, आप यहाँ पर देखोगे हमारा जो RTE Act है, ठीक है, RTE Act जो 2009 है वो 6 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स तक एप्लीकेबल होता है भाई, मतलब 0 से 6 ईयर्स तक की गारंटी सरकार ने ले ली है। ठीक है, आप देखोगे हमारा जो स्कूल एजुकेशन है उसे एक्चुअली 4 पार्ट पर कैटेगराइज किया गया। पहला था प्राइमरी एजुकेशन, फिर आता है अपर प्राइमरी एजुकेशन, फिर आता है सेकेंडरी एजुकेशन, फिर आता है हायर सेकेंडरी एजुकेशन। देखो जो लोअर प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है 1st से 5th तक चलता है, फिर जो अपर प्राइमरी एजुकेशन है वो 6 to 8 तक चलता है, इसके बाद लोअर सेकेंडरी एजुकेशन चलता है 9 to 10th क्लास, और उसके बाद हायर सेकेंडरी एजुकेशन चलता है क्लास 11 से क्लास 12। तो सिर्फ गवर्नमेंट ने इतना ही बस इंश्योर किया आपके लिए फ्री में। ठीक है, इसके बाद जो हायर एजुकेशन कॉलेज की पढ़ाई है, अगर आपके पास पैसे तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं पढ़ सकते। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि भैया सिर्फ गवर्नमेंट इतना इंश्योर कर सकती है तो इतना इंश्योर करेगी, आगे हम गवर्नमेंट को आदेश नहीं दे सकते। और जो 0 to 6 ईयर तक है वो आपका एजुकेशन में काउंट नहीं किया जाता। आपको फिर से बता दूँ, 0 to 6 ईयर जिसे आप प्ले स्कूल बोलते हैं वो गवर्नमेंट में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, वो गवर्नमेंट में काउंट नहीं किया जाता, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो अल्टीमेटली आपके हल्के से बेसिक क्लियर होंगे अगर कुछ डाउट्स ये रहे होंगे तो, कि भाई 0 से 6 तक हमारी गवर्नमेंट की एजुकेशन नहीं आता, 6 to 14 तक बस आता है, उसके बाद हायर एजुकेशन अगर आपके पास पैसे तो पढ़ लेगा। ठीक है, चलिए अब चालू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि भाई प्री स्कूल की इंपॉर्टेंस क्या है किसी की भी लाइफ में। देखो प्री स्कूल की इंपॉर्टेंस ये है, दो इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात तो जो बंदा है, जो बच्चा रहता है, उसको एजुकेशन की वैल्यू समझ में आती है। ठीक है, उसे स्कूल जाना अच्छा लगता है तो फ्यूचर में वो अपना अपने आप को ड्रॉप आउट नहीं करना प्रेफर करेगा, मतलब वो स्कूल से बाहर नहीं जाना चाहेगा। मतलब कुछ अपने दोस्त बनते हैं, अपने आप में फिजिकली स्ट्रांग होता है, इमोशनली स्ट्रांग होता है, सोशली स्ट्रांग होता है, मेंटली स्ट्रांग होता है, और साथ ही साथ एक तरीके से फॉर्मल जो स्कूलिंग होती है उससे पहले का हल्का सा शोडाउन होता है यहाँ पर, तो बच्चा खुद में समझदार हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी भांजी है, ठीक है, शी इज इन प्री स्कूल, लेकिन अगर मैं उससे पूछता हूँ कि बड़ा स्कूल जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, तो हमेशा बोलती है मुझे स्कूल आगे पढ़ना है। मतलब सोचो ये बंदे लोग 5 साल की उम्र में ही इतना सीख जाते हैं और हम तो भाई स्कूल ही नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, तो ये जो प्री स्कूल का ये फायदा होता है, बिकॉज हम हमारे टाइम पे प्री स्कूलिंग थी नहीं। ठीक है, तब हमने प्री स्कूलिंग की नहीं, नाम के लिए बस प्री स्कूलिंग की है, ये KG 1 KG 2 ये सब तो बकवास हुआ करता, बस बैठाते थे और भेज दिया करते थे बस स्कूल में। मुझे यही याद है मैंने आवाज इन प्री स्कूल, तो भाई लंच होता था, लंच खाया करते, बस इतना ही ध्यान है मुझे तो
उस तरीके से आप देख सकते हैं कि काम चलता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे की बात करते हैं तो वही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ कि आरटी एक्ट में प्री स्कूलिंग का कोई मेंशन नहीं, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन। लेकिन आपने देखो कि प्री स्कूल का बहुत बड़ा मतलब इंपॉर्टेंस है, कि अगर आप देखो कि बच्चे ड्रॉप आउट क्यों कर जाते हैं, बिकॉज उन्होंने प्री स्कूलिंग ली नहीं है, ठीक है। उन्होंने उनको मतलब ये पता ही नहीं कि स्कूलिंग का क्या फायदा है, फॉर्मल स्कूलिंग का क्या फायदा है, ठीक है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना क्या होता है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना क्या होता है, सोशली स्ट्रॉन्ग होना क्या होता है, ये कंप्लीट एक्टिविटीज़ क्या होती है, ये सब बच्चों ने सीखा नहीं है। तो गवर्नमेंट को अपनी जो पॉलिसी फ्लॉ था वो समझ में आ गई थी, भाई हमने तो गलती कर दी, हमें 0 to 6 भी प्री स्कूलिंग में डालना था। तो अल्टीमेटली उसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेके आया जिसका नाम था नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। और इस पॉलिसी को मतलब इंप्लीमेंट करने का जो मौका दिया गया वो दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और उस मिनिस्ट्री ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको कहा गया ICDS, मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। अब यहाँ पर 6 सर्विसेज दी जाती है अंडर ICDS, कौन कौन सी है। सबसे पहले आती है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ठीक है, सबसे पहले आती है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। अगर आप देखेंगे, अगर आप आंगनबाड़ी से जुड़े हैं, ठीक है, मतलब ये जो आपको जो दी जाएगी ICDS, तो आपको अगर आपको पैसे सिंपल से होता है कि आप प्राइवेट स्कूल चले जाओ, प्ले स्कूल में सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है, चीज़ याद है। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि हर बच्चा, गरीब बच्चा भी हमारी प्री स्कूल एजुकेशन ले, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने आंगनबाड़ी खोली है, ठीक है, आंगनबाड़ी खोली है। वहाँ पर आपको 6 चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले आपको मिलता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ठीक है, उसके बाद हेल्थ एजुकेशन मिलती है वहाँ पर आपको, ठीक है, हेल्थ चेकअप्स मिलते हैं, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मतलब जो आपको भाड़े वाड़े सिखाए जाते हैं, थोड़े बहुत 2 कम 2 4 सिखाया जाता है। इसके बाद आपको इम्यूनाइज किया जाता है वहाँ पर, जो भी आपको रूबेला के इंजेक्शन लगने, ये लगना वो लगना सब कुछ लगेगा, और साथ ही साथ कुछ बहुत सारी रेफरल सर्विसेज दी जाती है। तो ICDS के अंदर आपको पूरी तरीके से मतलब प्री स्कूलिंग जो है, जो प्राइवेट स्कूल में प्ले स्कूल मिलती है, वो सब आपको ICDS के थ्रू, आंगनबाड़ी के थ्रू प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप सब जानते हो भाई, आंगनबाड़ी हर जगह अवेलेबल नहीं है, आंगनबाड़ी हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बहुत सारे जो मतलब रीजन है जहाँ पर प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहीं पर एक छोटी सी आंगनबाड़ी टाइप खोल दिया और उसमें एक दो बंदों को रख दिया, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से हमारी प्री स्कूलिंग होती है। लेकिन अगर प्री स्कूलिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर फॉर्मल एजुकेशन, ऑफ हमारी फॉर्मल एजुकेशन क्या है, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। लेकिन जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्री प्राइमरी को भी इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखो अभी हमारा बैकग्राउंड जानना जरूरी है, इसलिए मैं इसी को चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप अभी समझो कि हमारे सामने कोई एजुकेशन पॉलिसी आई नहीं है, अब जब मैं वीडियो वो लेके आऊँगा 1-1.5 घंटे की, तब आपके सामने एजुकेशन पॉलिसी आएगी। लेकिन अभी तक आपने जो भी पढ़ा है एजुकेशन पॉलिसी सब भूल जाओ, अभी जो बता रहा हूँ उसको पढ़ो। देखो अगर बस बैकग्राउंड नहीं होगा ना, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर हमारे सामने एक पॉलिसी फ्लॉ था कि भैया हमने 6 to 14 तक के बच्चे को बच रखा, अब इसका जो इंप्रूवमेंट आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आएगा, तो आप इसको बैकग्राउंड दे सकते हो यार कि भैया पहले हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर ऐसा था, अब ऐसा हो गया, ठीक है, इसलिए अभी आप ऐसे ही चलो, ठीक है, इसको बदलने की कोशिश मत करना, अब मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आगे क्लियर करूँगा, ठीक है। और अगर आप हमारे यहाँ पर जो कंप्लीट मैंने स्कूलिंग आपको बताई, मतलब जो फॉर्मल स्कूलिंग होती है प्राइमरी में, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस किस क्लास से कौन कौन सी होती है, ठीक है। अभी इसको रटना मत, बिकॉज आप जानते हो कि अब नया स्ट्रक्चर आ गया है, उसमें प्री स्कूल भी इंक्लूड है, मतलब वो 5 लेवल पे हो गया, प्री प्राइमरी और उसके बाद ये जो 4 लेवल है हमारे सामने, ठीक है, तो उसको रटना, इसको रटना मत। लेकिन अभी आप बताओ कि भाई भले पॉलिसी आ गई है तो क्या एकदम से इंप्रूवमेंट आ जाएगी, नहीं, अभी भी वही प्रॉब्लम स्कूल एजुकेशन बनी रहेगी। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे सामने स्कूल एजुकेशन है उसका किस टाइप का प्रेजेंट स्टेटस है, मतलब क्या क्या उस एजुकेशन में चल रहा है। सबसे पहले अगर आप मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर भी हमारे सामने जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, जो ग्रेड 6 से 8 के बच्चों में है, वो 90.9% का, मतलब काफ़ी अच्छा है। लेकिन जैसे ही आप 9 to 10 और क्लास 11 to 12 जाते हो, वो घट के 65% 79.3% तक गिर जाता है, मतलब एकदम से 20 से 30% की गिरावट आ जाती है, ठीक है। आप आपको पता इसका रीज़न क्या है, इसका मेन रीज़न है मिड डे मील स्कीम, ठीक है। आप बता दूँ, काफ़ी जो बच्चे हैं वो मिड डे मील स्कीम के चक्कर में 1st to 8th class तक स्कूल जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर हॉट एंड कुक्ड फूड मिलता है। हमारे यहाँ पर एक पेइंग गेस्ट है, शी ऑल्सो वर्क दैट कुक इन मिड डे मील स्कीम। तो क्या करती है, मतलब बताती है कि हम लोग अपना जो घर का जो भी गेहूँ राशन चावल रहता है उसे फ्री में ले आते हैं, और पिछले ऐसा 7 से 8 साल से कर रहे हैं, सोचो उनके यहाँ पर मतलब राशन नहीं लाना पड़ता। और बताओ ये कैसा चल रहा है, मतलब जो इस टाइप की धज्जियाँ उड़ा के रखी है हमारे सिस्टम के लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद बस यही कि खास प्रेजेंट स्टेटस आपको सब यहाँ पर इनरोलमेंट रेशियो याद रखना, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ याद मत रखना। और फाइन, और यहाँ हमारे जनरल, हमारा जो स्कूल एजुकेशन है वो जनरलिस्ट इन नेचर है, ठीक है। यही एक रीज़न है कि एक सर्वे हुआ था जिसमें ये कहा गया था, मतलब बच्चों से ये पूछा गया था कि भाई आप लोग क्यों स्कूल नहीं जाना चाहते। तो उन्होंने ये बताया था कि भाई जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो किसी भी काम का नहीं है, वो हमें जॉब नहीं दिलाता है,
मतलब हमारी जो स्कूल कंप्लीट एजुकेशन है फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक की क्लास की, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा जब तक आप फर्स्ट टू ट्वेल्थ में थे तो आपको लगता है कि आप वर्ल्ड से पूरे कटे हुए थे, लेकिन जब से आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में आए होंगे ऐसा काफ़ी बच्चों ने फील किया होगा, आपको समझ में आया होगा भाई मतलब वर्ल्ड में बहुत भी कुछ सीखने को, मतलब यहाँ पर तो बहुत मज़ा आता है, आर्ट्स तो रियल में इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन नहीं सिखाई जाती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उसमें, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एंड ट्वेल्थ मतलब जनरल एजुकेशन टाइप की होती है, उसमें कुछ पास पास कर दिया जाता है, ठीक है। सो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि ये रीज़न था हमारे यहाँ प्रेजेंट स्टेटस होने का, मतलब हमारा एजुकेशन ख़राब क्यों है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो एसर की रिपोर्ट ये भी बोलती है कि हमारे यहाँ पर जो थर्ड क्लास तक के बच्चे हैं, ठीक है, वो सिंपल कैलकुलेशन मतलब आप कह सकते हैं 1+2, 3+2, 1-2 ये सब नहीं कर सकते हैं, सिंपल जो मतलब फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी है वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब इन टोटल ऐसी जो प्रेजेंट स्टेटस है उसका इश्यूज़ क्या है, मतलब क्या उसके रीज़न है कि हमारे यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। सबसे पहले तो इनएडिक्वेट पब्लिक फंडिंग, आप सब जानते हो गवर्नमेंट 2% से भी कम खर्चा करती है एजुकेशन सेक्टर में, और इसमें स्कूल एजुकेशन में बहुत ही कम पैसा आता है, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ पर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, काफ़ी स्कूल जैसे यहाँ पर टॉयलेट भी नहीं है, और टॉयलेट ना होने का इम्पैक्ट सबसे बड़ा पड़ता है गर्ल्स के ऊपर, ठीक है, गर्ल्स को टॉयलेट की जरूरत पड़ती है, उनको पीरियड्स होते हैं तो उनको टॉयलेट की जरूरत पड़ती है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि अगर आप सबने आपके पास अगर ये अवेलेबल नहीं होंगे तो गर्ल्स फिर कैसे टॉयलेट यूज़ करेंगे, कैसे आपको हाइजीनिक रखेंगे, अल्टीमेटली दे प्रेफर टू स्टे इन द होम्स, ठीक है, इन देयर ओन होम्स। इसके बाद अब भैया बहुत सारी बॉडीज़ हैं विच आर कंट्रोलिंग द स्कूल एजुकेशन, ठीक है, और जिसे तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ पर कोई गवर्नेंस स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके बाद इनएडिक्वेट टीचर ट्रेनिंग, बस टीचर को रिक्रूट कर लिया जाता है, कोई ट्रेनिंग फ्रेनिंग नहीं होती है, ऊपर से उसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि भैया आप लोग स्कूल पर आ रहे हो नहीं आ रहे, भैया आपका आउटकम कैसा है बच्चों का वो तो आप दिखाई नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन हमारे यहाँ पर स्कूल एजुकेशन है नहीं, मैं आपको पहले ही बताया था। और उसके बाद अगर बच्चे खुद की इंडियन लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मराठी वाला मराठी में पढ़ना चाहता है, हिंदी वाला हिंदी में पढ़ना चाहता है, तो अभी तक आपने ऐसा लिटरेचर भी डेवलप नहीं किया है जो इंग्लिश से मराठी में बहुत ही अच्छा हो, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स रहते हैं कि भैया बड़े बड़े स्कॉलर समझने में धच्चे उड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब हमारे यहाँ पर स्कूल एजुकेशन के इशूज़ हैं। इसके बाद हम वे फॉरवर्ड क्या दे सकते हैं, सबसे पहला वे फॉरवर्ड तो ये कि आप करिकुलम को चेंज करो, मतलब करिकुलम जैसे बनना पर अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने क्या किया, 6th क्लास से ही आपको क्या मिला जाएगा, वोकेशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग मिलना चालू हो जाएगी, मतलब एक पीरियड रहेगा, ठीक है, मतलब एक घंटा या कुछ आवर्स अलॉट किए हैं, ठीक है, हम आगे एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ेंगे तो इसका इंप्रूवमेंट है। आप देखो जैसे मैं इशूज़ बताऊँगा आप देखा किस तरीके से वो एजुकेशन पॉलिसी में सॉल्व होंगे, इसलिए बैकग्राउंड डेवलप करना जरूरी है, मतलब मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं ये सब बकवास पढ़ा रहा हूँ, मैं भी अपना टाइम बचा सकता हूँ, आपको भी टाइम बचा सकता हूँ, नहीं इसकी ज़रूरत है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद भी 1 से 2 घंटे के ऊपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर लेक्चर बनेगा, इसलिए वेट करना, वहाँ पर आपकी सारी चीज़ दिख रही होंगी, ठीक है। इसके बाद आपको जो बच्चों के बीच में मेंटल स्ट्रेसेस को कम करना है, ठीक है, बिल्कुल मतलब फेलियर या फिर स्ट्रेस जॉब के चक्कर में बच्चे अपनी लाइफ स्किल को डेवलप नहीं कर पाते हैं तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। इसके ऊपर भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे स्टेप्स दिए गए हैं, वो भी आपको समझ में आए, फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी जो बैग्स हैं बैग्स का वेट रिड्यूस करना है, बट टीचर की ट्रेनिंग करने के ऊपर भी बहुत बड़े अच्छे प्रोग्राम लिस्ट किए गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। और गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि भैया हम 2022 तक 6% तक गवर्नमेंट मतलब ये जो अपना फंडिंग है एजुकेशन में बढ़ा देंगे, तो ये भी गवर्नमेंट ने फिर अपनी एजुकेशन पॉलिसी 2019 में आई है उस पर प्रॉमिस किया है, ठीक है, 19-20 में जो आई है उसमें प्रॉमिस किया गया, ठीक है। आई थिंक अब आपको जो स्कूलिंग एजुकेशन है पूरा क्लियर हो गया है। अब अगले लेक्चर से वी विल स्टार्ट विद द हायर एजुकेशन पार्ट, ठीक है, हायर एजुकेशन पार्ट, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स।